सब लोगों को मां का कर्ज तो याद रहता है, पर बाप का फर्ज कोई याद नहीं रहा। थैंक थैंक यू। यू। रमेश भाई साहब के यहाँ बेटा हुआ है। पता चला मुझे। इतनी खुशी की बात है ना कि बेटा पैदा हुआ है। तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूं। बेटा पैदा हुआ है, सबको दावत पर बुलाएंगे वो। जब एक लड़का पैदा होता है तो सब कितने खुश होते हैं ना, पर लड़की के पैदा होने पर कोई खुश नहीं होता। अरे बेटा पैदा हुआ है, अब तो लड्डू बांटे जाएंगे। तुमको पता है, मर्द के बस पैदा होने की ही खुशी मनाई जाती है, उसके बाद तो उसकी पूरी जिंदगी औरतों की खिदमत करने में और जिम्मेदारियों को निभाने में ही निकल जाती। कुछ भी बोलते रहते हो। अरे जब लड़का पैदा होता है तो परिवार का बोझ कम हो जाता है ना। वही तो, इसीलिए तो शायद मर्द के पैदा होने की खुशी मनाई जाती है। बेटा पैदा हुआ है, लोग तो बहुत खुश होते हैं, और उसी दिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का एक बोझ आ जाता है। उसकी पूरी जिंदगी बस जिम्मेदारियां निभाने में ही निकल जाती है, चाहे वो माँ बाप का ध्यान रखना हो या बीवी के खर्चों का ध्यान रखना हो, या बहन की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना हो, या फिर बेटे की परवरिश करनी हो। पूरी जिंदगी बस वो जिम्मेदारियां ढोते रह जाता है। सब लोगों को माँ का कर्ज तो याद रहता है, पर बाप का फर्ज कोई याद नहीं रहता। ये बाप ने ना फर्ज पूरा करने के चक्कर में कभी खुशी नहीं, शायद इसीलिए इस दुनिया में लोग मर्द के पैदा होने की खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो बस पहली बार ये मर्द अपने जीवन में खुशी देता। तुमने अपने लिए चाय नहीं बने? नहीं, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही चाय पी थी। अच्छा,